हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं कबीर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एडवांस लाइफ। इस वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इससे पहला वाला वीडियो में जो आखिरी टॉपिक था वो एक शॉप है। मैं एक रिटेलर हूँ, मेरे पास एक कस्टमर आता है और मेरे उस कस्टमर के पीछे और भी 100 कस्टमर खड़े रहते हैं पैसा निकालने के लिए। तो जब एक कस्टमर आता है पैसा निकालने के लिए 500 रुपये, और जब ट्रांजैक्शन करते हैं उस कस्टमर का, उस टाइम बैंक सर्वर ख़राब रहता है और डिक्लाइन या फेल्ड का ऐसा कुछ एरर रहता है। तो उस कस्टमर को आपको छोड़ने से पहले अच्छी तरह से समझाना है कि अभी फ़िलहाल ट्रांजैक्शन फेल्ड हो चुका है, आपके खाते से पैसा निकल चुका है और ये पैसा सर्वर में अटका हुआ है। 3 या 7 दिन के अंदर, वर्किंग डेट के अंदर, बैंकिंग वर्किंग डेट के अंदर आपके बैंक के अकाउंट पर रिवर्स हो जाएगा। अगर आपको डर लगता है बोलने में, नहीं बोल पाते हैं, तो एक काम करिए, या फिर आपको पता नहीं है ये ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ है या सक्सेस, आप उनको उनका जो ट्रांजैक्शन है फिर से 2 या 3 बार ट्राई करें। अगर 2 या 3 बार के अंदर आपको ट्रांजैक्शन लिमिट दिखाए या फिर सक्सेस दिखाए, अगर सक्सेस दिखाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ट्रांजैक्शन लिमिट दिखाता है तो आपको एक रैप पेज लेना है। पेज में लिख देना है उनका आधार कार्ड, उनका मोबाइल नंबर, उनका ट्रांजैक्शन, और लिख लेना है ये फेल्ड हो चुका है और उस कस्टमर को समझा देना है, नहीं तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों प्रॉब्लम हो सकता है? आपके गांव में और भी एक दूसरा बंदा है जो पैसा निकालता है। जब वो कस्टमर उनके पास जाएगा और बताएगा कि आपका पैसा पहले से निकल चुका है, तो वो कस्टमर आपके पास आएगा और आपको गाली गलौज करेगा। तो इससे फ़िलहाल अच्छा है आप उनको समझाइए, क्योंकि अभी सब रिटेलर को पता है जो ये क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कई दिनों से बहुत ही प्रॉब्लम होता है हो रहा है इसके बारे में। और दूसरा टॉपिक है, आप अगर अच्छी रिटेलर हैं, अच्छा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या फिर नए हैं या पुराना रिटेलर हैं, आप जो भी अमाउंट लेकर अपने CSP पर जाएं, पहले अपने एक रजिस्टर खाता बनाएं और रजिस्टर खाते के ऊपर पर लिख दें कि मैंने इतना पैसा आज लेकर बैठा हूँ, और 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन करें। और एक आपको रजिस्टर खाता भी रखना है। अब रजिस्टर खाता क्यों रखना है? अब जितना भी सुबह से शाम तक काम करेंगे, रात को आप पूरा उसको टोटल करके देख पाएंगे क्या मेरा पैसा ज़्यादा किसी के पास चल गया या फिर सही है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है, रिटेलर खाता मेंटेन नहीं कर रहा है, रजिस्टर खाता नहीं यूज़ कर रहा है। ये बहुत ही बड़ा गलत चीज़ है, क्योंकि कोई भी कस्टमर आकर अगर आपको 3 दिन बाद बोले कि आपने मेरा पैसा निकाल लिया है, अब आपको तो पता नहीं है, क्योंकि आपके पास 100 कस्टमर हर रोज़ आता है, ये कस्टमर आया था या नहीं आया था, तो आप उनका आधार कार्ड लेकर चेक कर पाएंगे अपने रजिस्टर खाते पर क्या इस ट्रांजैक्शन मेरे पास ही हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कन्फर्म हो पाएंगे। तो आपको एक रजिस्टर खाता लेना है, कोई ट्रांजैक्शन अगर करना चाहे तो, अगर उनका ट्रांजैक्शन सक्सेस होता है तो आप रजिस्टर खाते पर उनका नाम, उनका आधार कार्ड का 4 डिजिट नंबर, आखिर का जो 4 नंबर होता है वो, और उसने जितना भी ट्रांजैक्शन किया, जितना अमाउंट है उस अमाउंट को डालना है, लिखना है, और साथ में अगर आखिरी अमाउंट जो रहा बच चुका है उसके अकाउंट पर, वो भी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और साथ में आप सिग्नेचर भी करवा लें। फिलहाल अभी सिग्नेचर ज़्यादातर लोग नहीं करवाते हैं, क्योंकि ये कोरोना का एक प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ को आपको मेंटेन करना है, नहीं तो आप बहुत ही प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। मेरे पास काफ़ी कॉल आ चुका है इसके बारे में, क्योंकि इतना रिटेलर बन चुका है मार्केट पर जो हर एक गांव में 2 या 3 बंदा है जो पैसा निकालता है, और अभी भी फ़िलहाल बन रहा है। और अभी 3-4 दिन से, जब से सरकार ने 500 रुपया गरीब लोगों को या फिर जनधन अकाउंट पर क्रेडिट किया है, तभी से लोगों का भीड़ जो है वो हर एक CSP पर अभी दिख रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा CSP बैलेंस इंक्वायरी नहीं करते हैं, डायरेक्टली कैश विड्रॉल करते हैं। यार, कैश विड्रॉल कर जब करने जाते हैं तब ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तभी प्रॉब्लम होता है। नए नए रिटेलर जो है उसको पता नहीं है। तो फिलहाल उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको भी समझा देना है उस रिटेलर को, जो ये प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि मेरे पास जो भी नए नए कुछ दिनों से रिटेलर बना है, मैंने क्लियरली बता दिया है कि ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि मेरा खुद का एक दुकान है, शॉप है, तो पहले मेरा 50-60 कस्टमर होता था, लेकिन कई दिनों से, जब से सरकार ने पैसा दिया है अकाउंट पर,
तब से हर रोज 100 के ऊपर कस्टमर होता है। जैसे कि आज सुबह से कोई भी कंपनी का AEPS पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, अगर ओपन हो रहा है काम नहीं हो रहा है। और इसलिए भी नहीं काम कर रहा हूँ क्योंकि ट्रांजेक्शन अगर फेल्ड होगा तो दिक्कत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि एक CSP या फिर हमारे जैसे दुकानदार के पास नहीं जाता है, कई लोगों के पास जाता है। तो इसमें मेरा ट्रांजेक्शन फेल हुआ है क्या, या बाद में जिसके पास गया था उनके पास ट्रांजेक्शन फेल हुआ है, पता नहीं रहता है। इसका सलूशन नहीं है मेरे पास अभी, या फिर कंपनी के पास भी इसके बारे में उतना सही तरह से जानकारी नहीं दे पाएंगे। मैंने इसके बारे में थोड़ा जानकारी लिया था लेकिन उनके पास भी सही तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है कि ये ट्रांजेक्शन जो फेल हुआ है कहाँ से हुआ है। तो फिलहाल जो इम्पॉर्टेंट जो बात है वो बात बता देते हैं। मेरे पास आज काफ़ी कस्टमर आया था, कई टाइम हमने कस्टमर को सर्विस नहीं दिया, घुरा दिया। फिर मेरे को लगा नहीं, कस्टमर को सर्विस देना है, तो मेरे पास एक पोर्टल है, फ्री ऑफ कॉस्ट का पोर्टल है, जिनका नाम है भीम आधार पे, SBI भीम आधार पे, अच्छी तरह से नाम को सुन ले, भीम आधार पे प्ले स्टोर में नॉर्मली तरीके से मिल जाएगा और आप उसको नॉर्मली तरीके से रजिस्टर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या क्या रहना ज़रूरी है, आपका एक अकाउंट होना ज़रूरी है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर, और साथ में उस अकाउंट पर आधार कार्ड लिंक होना ज़रूरी है। उसके बाद आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं उस ऐप्स पर जो भीम आधार पे SBI का जो है, क्योंकि मैंने करीब 60 या 70 ट्रांजेक्शन किया है आज सुबह को, वो जो भी ट्रांजेक्शन किया है हर एक ट्रांजेक्शन आधार भीम पे से किया है, और आधार भीम पे का जो ट्रांजेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट था सुबह को, मैंने जितना भी किया है ट्रांजेक्शन आधार भीम पे से किया है। और एक इसका एक खास चीज़ है, आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे, जैसे कि 10 बंदे हैं, 10 बंदे का आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो 10 बंदे का 10 टाइम आपके अकाउंट पर क्रेडिट होगा पैसा। और एक चीज़ आपको छोटा सा टॉपिक आखिर में बता देते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो INFI रेलीपे का ये पोर्टल यूज़ करते हैं उनके लिए। तो चलिए हम दिखा देते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर मैंने INFI रेलीपे का एक पोर्टल खोल रखा है। मेरा भी 2 दिन से ज़्यादा ट्रांजेक्शन फेल्ड हुआ है। तो क्या है, INFI का अगर ट्रांजेक्शन फेल्ड होता है तो इसमें 2 ऑप्शन दिया गया है। अगर INFI रेलीपे का सर्वर खुद का प्रॉब्लम रहता है तो उनका जो पैसा है, कस्टमर का जो पैसा है, वो INFI रेलीपे का जो पोर्टल है उसमें ही अटका रहता है, ठीक है। और अगर बैंक से सर्वर ख़राब रहता है तो वो पैसा कट जाता है, वो 3 या 7 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाता है कस्टमर के अकाउंट पर।